यूक्रेन रूस जंग में बारूद के साथ दावों के भी वार हो रहे हैं। यूक्रेन के 211 सैन्य अड्डे तबाह हुए हैं, ये भी दावे किए जा रहे हैं। यूक्रेन के 211 सैन्य अड्डे तबाह हुए हैं और ये बयान रूस की तरफ से दिए जा रहे हैं। रूस के 80 टैंक 10 विमान ध्वस्त किए गए हैं, ये बयान यूक्रेन की तरफ से है। यानी अभी भी दोनों ही देश अपने आप को बेहतर बताने की कोशिश, यानी उनके हमले में कितना नुकसान हुआ और उनके हमले से नुकसान कितना हुआ ये बताने और जताने की कोशिश कर रहे हैं। रूस के 80 टैंक और 10 विमान ध्वस्त किए हैं। वहीं यूक्रेन ने किया रूस की 20 मिसाइलें गिराने का दावा, ये यूक्रेन की तरफ से दावा किया जा रहा है। यानी ये जो युद्ध है वो अभी भी कीव के आसपास ही चल रहा है। अब तक 1000 रूसी सैनिकों को ढेर किया गया है, ये यूक्रेन की तरफ से बयानबाजियां सामने आ रही है। और इसी के साथ साथ यूक्रेन रूस जंग में बारूद के साथ साथ दावों के वार भी होते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कीव में पूरी सेना यूक्रेन की मजबूती के साथ लड़ते हुए नजर आ रही। 211 सैन्य अड्डे तबाह किए हैं यूक्रेन के, ये दावा रूस कर रहा है। रूस के 80 टैंक और 10 विमान हमने ध्वस्त कर दिए, यानी यूक्रेन ये बात कह रहा है। यानी दोनों तरफ से कहा जा रहा है कि हम मजबूत स्थिति में हैं।